अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ातिमास किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट जिसका नाम है मैक्रोनी कस्टर्ड, या आप इसको मैक्रोनी फ्रूट ट्राइफल का नाम भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको अक्सर ही बनाती थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉस पैन में जेलीस तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं एक कप पानी लूँगी और आधा कप जेली के क्रिस्टल्स इसमें ऐड कर दूंगी। इन दोनों को अच्छी तरह डिसॉल्व कर लेंगे ताकि जेली के क्रिस्टल्स पानी में मिक्स हो जाएं, और एक बॉल में डाल देंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और सेम प्रोसीजर से ग्रीन जेली यानी कि बनाना जेली भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कलरफुल बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी तैयार हो चुकी है, हम इसको भी बॉल में डाल के फ्रिज में रख देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। इसके बाद हम फ्लेम ऑन करके उस पर एक पैन रखेंगे और पैन में हमने 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क को हम पहले बॉईल कर लेंगे। जैसे ही हमारा दूध बॉईल हो जाएगा इसमें हम एक कप चीनी ऐड कर देंगे और साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी जैसे ही मिक्स हो जाएगी हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। साथ साथ चम्मच हम हिलाते रहेंगे। दूसरी तरफ हम एक कप दूध में 6 से 7 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड ऐड कर देंगे और इसको विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें आपने कोई लंप्स नहीं रहने देने, मैंने वनीला फ्लेवर लिया, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और इसको पकते हुए दूध में डाल देंगे, साथ साथ चम्मच आपने हिलाते रहना है क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसमें नीचे लंप्स बन जाएंगे जिससे टेस्ट बहुत ख़राब आता है। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी, साथ साथ चम्मच में हिलाती रहूंगी और आप नोटिस करेंगे कि ये थिक होने लग जाएगा। जैसे ही थिक हो जाएगा हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये ठंडा हो चुका हुआ है और अब हम इसको असेंबल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बॉल में कस्टर्ड की लेयर डाल देंगे। आपने ध्यान रखना है कि सब साइड से आप कस्टर्ड की लेयर एक जैसी रखें, कहीं से ज़्यादा या कहीं से पतली ना हो। इसके बाद हम इसके ऊपर आधा कप मैक्रोनी डाल देंगे। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये परफेक्ट रेशो है। इसके बाद फ्रूट कॉकटेल की एक लेयर से हमने मैक्रोनी को अच्छी तरह कवर कर देना है। आपने सब तरफ से मैक्रोनी को कवर करके इसके ऊपर जेलीज असेंबल कर देनी है। तो पहले मैं रेड जेलीज का यूज़ कर रही हूँ, इसके बाद मैं ग्रीन जेली इसके ऊपर डेकोरेट कर दूँगी और एक दफ़ा फिर हम इसके ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे और तमाम चीज़ें कस्टर्ड की लेयर से कवर कर देंगे। ध्यान रहे कि आप इसको बहुत ही खूबसूरती से कवर करें और इसकी कोई भी साइड्स कस्टर्ड के बगैर नज़र ना आए। तो हम इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि ये एक जैसा लगे और इसके ऊपर हम जेलीस को असेंबल करके इसको बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट कर देंगे। और इसी तरह हम बच्चों के लिए एक छोटा सा तैयार कर लेंगे। बच्चे छोटी छोटी चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं तो उनके लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाएं, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो इसमें हम क्योंकि जेलीस का भी यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को जेलीस बहुत पसंद होती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।